जय हिंद अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं पटवारी के लिए छात्रावास अधीक्षक के लिए सी जी व्यापम की जितनी भी परीक्षाएँ हैं उसके लिए या फिर सी जी पी एस सी के लिए तो उनमें दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है और हम लगातार इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारा आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है कंप्यूटर क्लास फाइव नंबर का पार्ट है जिसमें हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की मेमोरी और मेमोरी के प्रकार और उनके जो तो इकाइयाँ हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला है वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण तो होने वाला है दोस्तों मेमोरी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए इसके अलावा अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखे हो दोस्तों पार्ट नंबर फोर जिसमें मैंने बताया है प्रिंटर एवं प्रिंटर उसके टाइप के बारे में इंपॉर्टेंट है आप उसको ज़रूर देखिए यहाँ से भी प्रश्न आता है इनपुट डिवाइस सबके बारे में बताया है आउटपुट डिवाइस के बारे में भी बताया है तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मेमोरी क्या होता है इस बारे में मुझे बताने की जो आपको ज़रूरत तो नहीं है लेकिन आप आसानी से समझ सकते हैं मेमोरी क्या है जिसमें जिसमें किसी भी चीज़ को स्टोर किया जाता है मतलब उसकी याददाश्त को ही क्या कहा जाता है मेमोरी के नाम से जाना जाता है तो अगर हम लोग इसको कंप्यूटर भाषा के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कंप्यूटर का वह भाग जहाँ पास डेटा का प्रोग्राम अनुदेशों एवं स्थाई या फिर अस्थाई तौर पर संग्रहित करने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसे कंप्यूटर का मेमोरी कहलाता है ठीक है कंप्यूटर मेमोरी का जो है, एक अभिन्न अंग होता है जहां पास इन सब की जो आ... क्षमताएं हैं उसको क्या किया जाता है स्टोर करके रखा जाता है जैसे हम अगर बात बात करूँ व्यक्ति के पास दोस्तों उसका ब्रेन में भी क्या होता है उसका दिमाग जो होता है उसमें मेमोरी होता है ठीक है वो स्थाई रहता है अस्थाई इस तर, तरीके का दोस्तों कंप्यूटर के पास भी क्या होता है अपना एक खुद का क्या होता है मेमोरी हम उसमें रखते हैं ताकि वो इन तरीके से हम उसका उपयोग कर सकते हैं भंडारण के तौर पर ठीक है तो उसी तरीके से दोस्तों मेमोरी को अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग अपना मेमोरी तो नहीं जान सकते ना कि कितना है हमारे पास तो लेकिन हम कंप्यूटर को क्या है हम मशीनी तौर पर हम क्या करते हैं इसको स्टोर करने की जो क्षमताएं हैं है, उस आधार पर हम लोग इसको देखते हैं तो ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भाई मेमोरी की जो इकाइयाँ हैं वो सामान्य तौर पर किस भाषा में होती है तो वो मशीनी लैंग्वेज में होता है और किस तरीके का होता है मात्र दो ही चीजों से मिल करके बनता है वो है जीरो और वन से लेकर के ठीक है सामान्य तौर पर जो जीरो है उसको ऑफ से डिनोट किया जाता है और जो वन होता है उसको ऑन से डिनोट किया जाता है ठीक है और इनका जो क्रम होता है दोस्तों स्टोर करने का तरीका जो है वो गेट के आधार पर डिपेंड करता है जैसे अगर अगर मैं बोलूं और गेट एंड नॉर गेट ठीक है आ, एंड गेट तो यहाँ पास आपने देखा होगा जैसे और गेट है तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये इस तरीके का और गेट का सिम्बॉल होता है उसी तरीके से नॉर की बात करूं दोस्तों तो ये होता है दोस्तों नॉर का सॉरी ये नॉर का गेट है दोस्तों यहाँ पास आपने देखा होगा आ, ठीक है तो इस तरीके से नॉट गेट ठीक है ये नॉट गेट है और ये एंड गेट है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके तो आपने देखा होगा इस तरीके का जो सिम्बॉल्स होते हैं वो इसी मेमोरी के आधार पर किया जाता है तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मेमोरी की इकाई क्या क्या है और यहाँ से किस तरीके का दोस्तों प्रश्न जो है पूछा जाता है तो सामान्य तौर पर जो मेमोरी की जो इकाई है सबसे पहला यूनिट इसमें जो पूछा जाता है कि ऑप्शन दे देगा कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सा है ऑप्शन दे देगा आपके सामने नीबल बीट बाइट किलोबाइट बाइट एम बी जी बी टेरा बाइट तो आप में क्या बताओगे इसके लिए राइट आंसर जो होगा वो सबसे छोटा वो जो इकाई है वो क्या है नेबल है ठीक है अब कितने कितने नेबल से मिलकर के बीड बनता है बाइट किससे बड़ा है के बी बड़ा है एम बी बड़ा है यहाँ से भी आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है दोस्तों पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है आपको समझना होगा ठीक है तो सबसे पहले हम लोग इसका देख लेते हैं दोस्तों ओवरव्यू कि ये किस तरीके से यहाँ पास जो है इसकी श्रेणी जो है बटा हुआ है ठीक है सिंपल सा है याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जो एक निबल होता है दोस्तों उसमें क्या होता है आ, कितना होता है हो दोस्तों चार बीट होता है ठीक है मतलब ये जो होगा ये चार रूप में होगा मतलब और और क्या होता है एक और वन, जीरो। मतलब इसको मैं क्लियर कर देता हूं आपको तो देखिए चार बीट मतलब क्या हुआ दोस्तों देखिए एक निबल किसको बोलेंगे या तो फिर वो क्या हो सकता है वो जीरो हो सकता है या फिर क्या हो सकता है वन हो जाएगा ठीक है यहां पर हो गया तो इसको क्या बोलेंगे निबल बोलेंगे और जब यही निबल जब क्या होता है चार के फॉर्मेट में आ जाता है चाहे वो जीरो वन जीरो जीरो वन हो सकता है या फिर वन 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 हो सकता है या फिर जीरो वन जीरो वन ये भी हो सकता है कुछ भी तरीके से हो सकता है जब वो उसको हम लोग क्या करेंगे जब चार के पेयर में रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं दोस्तों बिट कहते हैं ठीक है और मतलब फोर बीट जो होता है उस तरीके से और यही जब आठ के पेयर में हो जाता है मतलब इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई टू मतलब क्या हो जाएगा जस्ट इसके डबल हो जाएगा तब हम उसको क्या कहते हैं दोस्तों एक बाइट कहते हैं ठीक है मतलब क्या हुआ दोस्तों जिसमें आठ बीट होते हैं वो क्या कहलाता है एक बाइट कहलाता है ठीक है uh, यहां तक आपको क्लियर हो गया तो इसको हम क्या कहते हैं बाइट कहते हैं और जब एक हजार चौबीस बाइट जब हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं दोस्तों एक केबी कहते हैं तो केबी नाम आपने सुना होगा जिसको कहते हैं किलो बाइट कहते हैं ठीक है मतलब आपको समझ रहे हैं बाइट है मतलब उसमें हर बाइट में कितना होगा आठ आठ बीट रहेगा ठीक है तो यहाँ पास क्या, अगर आठ बीट है मतलब कि यो कितने के बराबर है दोस्तों दो नोबेल के बराबर है ठीक है यहां तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते जाइए क्योंकि प्रश्न पूछता है दोस्तों कि एक जीबी में कितना के बी होगा तो आपको यहाँ पास कैलकुलेट करना पड़ता है ठीक है पूछ सकता है कि एक टीबी में कितना जो है के बी होगा या फिर कितना एम बी होगा या फिर कितना जी बी होगा ये प्रश्न जो है पूछता है मेमोरी की इकाइयों में इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं यहाँ से प्रश्न पूछा भी जा चुका है ठीक है तो यहाँ पास देख ली यहाँ पास हो जाएगा एक हजार चौबीस जो है वो कितने के बराबर होता है एक के बी के बराबर होता है ठीक है किलो बाइट और जब एक हज़ार चौबीस के बी है दोस्तों वो कितने के बराबर हो जाता है वो एक एम बी के बराबर हो जाता है जब एक एम बी एक एम बी कैल्कुलेट करके मतलब जोड़ते हुए जब एक हज़ार चौबीस एम बी हो जाता है दोस्तों तब हम उसको

टीबी की संख्या को बढ़ा देंगे एक हजार चौबीस टी हो जाएगा तो वो कितने के बराबर हो जाएगा एक पी के बराबर हो जाएगा एक पेरा बाइट के बराबर हो जाएगा ठीक है एक पेरा बाइट तो इस चीज को आप याद रखिए इससे आगे की डिवाइस अभी तक तो पूछा नहीं गया है तो हो सकता है पूछे तो आप इसको भी देख लीजिएगा तो एक पीबी इंपॉर्टेंट है तो एक पी में कितना होता है एक हजार बाइट होता है एक टेराबाइट में जो है दोस्तों एक हज़ार चौबीस जी बी होता है और एक जी बी में एक हज़ार चौबीस एम बी होता है और एक एम बी में कितना होता है एक हज़ार चौबीस किलो बाइट होता है ठीक है यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अगर कोई डाउट हो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स खाली है कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा अब हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है दोस्तों वो है कंप्यूटर के प्रकार कंप्यूटर के जो मेमोरी हैं उसके प्रकार सॉरी जो उसकी जो मेमोरी है उसके प्रकार के बारे में देखने वाले हैं क्योंकि यहाँ से जो दोस्तों प्रश्न जो है पूछा जाता है तो मैं पूरी तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ तो आपको आसानी से ये जो है पूरी तरीके से समझ आने वाला है ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो जाए यहां से प्रश्न पूछा जाता है ठीक है तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों मेमोरी के जो टाइप हैं भाग हैं उसको दो तरीके से बांटा गया है तो सबसे पहला जो भाग बांटा गया है दोस्तों उसको कहा जाता है प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है और जो दूसरा है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है द्वितीयक मेमोरी कहलाता है प्राथमिक मेमोरी किसको कहते हैं दोस्तों जो कंप्यूटर का एक आंतरिक व मुख्य मेमोरी होता है जो सीधे क्या होता है दोस्तों कंप्यूटर का जो सी भाग होता है सी डायरेक्ट कनेक्ट होता है ठीक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्ट होता है और इतनी इसकी जो डेटाएं हैं उसको जो है निर्देश का लेता है पढ़ता है और ये क्या है होता है ठीक है और अगर हम लोग बात करें तो ये सामान्य तौर पर जो प्राथमिक होता है ना वो अस्थायी मेमोरी के तौर पर गिना जाता है ठीक है आ, किस तरीके से गिना जाता है दोस्तों आ, जो है अस्थाई तौर पर इसको गिना जाता है ठीक है अगर हम लोग देखें दोस्तों अगर इसके अलग अलग टाइप के बारे में तो तो पहला इसमें आप बांट सकते हैं अस्थाई तौर पर सॉरी स्थायी तौर पर और दूसरा जो है दोस्तों कैश मेमोरी और तीसरा जो है अस्थाई मेमोरी के रूप में आप इसको बांट सकते हैं ठीक है तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ स्थाई मेमोरी क्या होता है जो परमानेंट क्या हो स्थाई हो उसको क्या कहते हैं दोस्तों आपका स्थाई मेमोरी कहते हैं ठीक है उसी तरीके से नाम से ही पता है अस्थाई बोल दूंगा मतलब अस्थाई है मतलब अगर मैं उसमें काम कर रहा हूँ तब तक है अगर काम नहीं कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा वहाँ से हट जाएगा ठीक है तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग स्थाई मेमोरी की बात करते हैं जो हमेशा रहता है ठीक है जैसे अगर मैं सी की बात करूँ कॉम्पैक्ट डिस्क एक बार उसमें डेटा डल डालने के मतलब उसमें डेटा डल जाने के पश्चात हम वो क्या हो जाएगा अस्थाई रूप से रहता है ठीक है तो वो क्या कहलाएगा आर आर रोम है ना पी रोम ई पी रोम ई पी रोम ठीक है तो इस तरीके से अगर हम लोग रोम बोलेंगे तो रीड ऑनली मेमोरी को क्या कहा जाता है दोस्तों रैम रोम के नाम से जाना जाता है ठीक है आ, रोम हो गया अब इसी का अगर मैं किसकी बात करूं पी रोम की तो पी रोम क्या होता है दोस्तों प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी मतलब जिसको सिर्फ प्रोग्राम करने के लिए ही रीड किया जाता है वही क्या कहलाता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी कहलाता है उसी तरीके से ई पी आ जो आर ओ एम है मतलब ई पी रोम इसको क्या कहा जाता है दोस्तों इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें जो डेटा है उसको आप इरेज कर सकते हो मतलब आप इसको मिटा सकते हैं ठीक है मतलब इसमें आप अपने हिसाब से आप सुधार भी कर सकते हैं ठीक है और ये किसके अंतर्गत आता है प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आता है अगला है दोस्तों ई पी आर रोम तो ई पी आर रोम क्या है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक ईरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी ठीक है क्या है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी तो इस तरीके के दोस्तों इसके जो है इसके पार्ट्स हैं मतलब टाइप हैं तो यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है ठीक है अगर मैं बात करूँ दोस्तों रीड ओनली मतलब ओनली मेमोरी तो ये दोस्तों आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ये अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकता है ठीक है तो ये था दोस्तों किसका भाग था ये अस्थाई का भाग था ठीक है अगर हम लोग देखें दोस्तों इसमें स्थाई के आधार पर तो इसमें स्थाई के आधार पर भी इसमें दो भागों में बांटा गया है पहला दोस्तों इसका डायनेमिक रैम है और दूसरा क्या है स्टैटिक रैम है ठीक है तो अगर हम लोग बात करें डायनेमिक रैम क्या होता है तो डायनेमिक जो रैम होता है दोस्तों वो ये मुख्य मेमोरी ही होता है जहाँ पास जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो है इसमें काम होता है ठीक है तो वो क्या कहलाता है आपका डायनेमिक रैम uh, कहलाता है ठीक है uh, इसमें मेमोरी का जो है मुख्य भाग जब हम चालू करते हैं तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जब मैं क्लास लूँगा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कितने टाइप के होते हैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है पूरा फुल्ली डिटेल में आपको क्लास लूँगा तो आपको अच्छे से समझ आ जा जाएगा तो इसमें दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कंप्यूटर को ऑन करते हो तो उस समय उसको मेमोरी की ज़रूरत पड़ता है ना भाई कहाँ से चालू होना है उसको कहाँ से प्रोग्राम ला करके आपको को आपके यूज़र तक मतलब आपके चलाने लायक आप उसको छोड़ के जो है कंप्यूटर आपको देता है आप जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो उसके बाद क्या होता है उसमें कुछ घूमना स्टार्ट होता है बूटिंग उसको प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके जो स्टोर रहता है वो डायनेमिक रैम में ही स्टोर रहता है ठीक है तो इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर का जो का सारा काम होता है वो रैम में होता है ठीक है अगर मैं बात करूँ डायनेमिक में क्या हो जाएगा आपका रैम आएगा ठीक है क्या आएगा रैम जिसको हम क्या करते हैं रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं आपने नाम सुना ही होगा बचपन से ही तो डायनेमिक रैम भी इसको कहते हैं ठीक है नाम से ही पता चल रहा है ना डायनेमिक रैम और ये क्या है स्टैटिक रैम तो डायनेमिक रैम को हम क्या कहते हैं सिंपली डी रैम के नाम से जानते हैं ठीक है अगर हम लोग बात करें डी रैम तो आखिर है क्या डी रैम और ये स्टैटिक रैम जिसको हम लोग क्या कहते हैं एस रैम के नाम से जानते हैं तो भाई इन दोनों में अंतर क्या है, है रैम तो दोनों ही है ना तो डी रैम जो होता है वो क्या होता है एक तरीके का रैम जो होता है इसकी गति होती है रैम गति मतलब जो होती है वो क्या होती है ये तुलना में आ, धीमी होती है अगर बात करूँ तो अच्छे से क्लियर रूप में तो यह दोस्तों ये धीमी होता है कंपेरिजन टू स्टैटिक रैम के ठीक है तो इसमें क्या होता है यहां तक क्लियर हो गया और तो उसी तरीके से दोस्तों इसमें जो रैम होता है वो उसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगा होता है मेन तौर पर इसमें क्या होता है ट्रांजिस्टर होता है आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं फिजिक्स में पढ़ा होगा पी एन पी ट्रांजिस्टर होता है और आपका एन पी एन ट्रांजिस्टर होता है ये इन्हीं ट्रांजिस्टर का जो दोस्तों इसमें प्रयोग करके इस डायनेमिक रैम को तैयार किया जाता है और साथ ही साथ एक कैपेसिटर भी इसमें जो है इसके प्रयोग के अनुसार जो है इसमें प्रयोग किया जाता है कैपेसिटर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है फैराडे होता है ठीक है ड होता है ठीक है तो यहां से प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में पूछता है कि आ, जो है किसका कैपेसिटर का मात्रा क्या है तो फैराड है ठीक है इसमें जो किसका प्रयोग होता है ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है किसमें डायनेमिक रैम में अब बात कर लेते हैं स्टैटिक रैम में तो स्टैटिक रैम जो होता है दोस्तों आ, वो क्या होता है कि एक प्रकार का इसकी जो गति है वो तुलना में अधिक होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा रहता है ट्रांजिस्टर ही लगे रहता है मतलब इसमें कैपेसिटर का प्रयोग जो है नहीं होता सिर्फ ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है आपने पता होगा पी और एन एन जो है ट्रांजिस्टर इसमें प्रयुक्त किया जाता है ठीक है अब अब बात करते हैं रीड ऑनली मेमोरी जो मैंने बता बात किया तो ये ऊपर वाला रीड ऑनली मेमोरी का है और ये अस्थाई पर अगर हम लोग बात करें तो वो है कि आपका डायनेमिक अस्थाई क्यों है देखिए क्योंकि हमने डायनेमिक रैम जो पढ़ा है जो काम कर रहा है जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर को पावर दिए हैं तो वो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसमें से क्या हो जाएगा अब वो ओपन होगा ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग टाइप के होते हैं जैसे आपने देखा होगा विंडो सेवन विंडो एट विंडो टेन लाइनेक्स विस्टा है ना डॉस ये सब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वर्क करता रहता है जैसा सिस्टम बंद कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है ये मेमोरी ये चीज़ सब चीज़ें भूल जाता है ठीक है तो ये हो जाएगा कैश अब इसमें बचा जो है दोस्तों कैश मेमोरी कैश मेमोरी क्या है वैसा ही है जैसा कि आप उसमें काम करते हैं एक्टिव हो जाता है आप उसको हटाते हैं तो वो हट जाता है ठीक है तो इस तरीके का दोस्तों इसमें क्या है ये मेमोरी के टाइप हैं हमने देखा सिर्फ प्राथमिक मेमोरी को ही देखा है तो यहाँ पास आपको एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ तो इसमें जो है प्राथमिक मेमोरी जो है वो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है जिसमें से कंप्यूटर का सी जो है कंट्रोल होते हुए हमारे जितने भी एप्लीकेशन है उसको रन करता है इसमें जो है मुख्य तौर पर स्थाई अस्थाई होता है और अस्थाई में आप मतलब स्थाई में आपका जितने भी रोम हैं रेड ओनली मेमोरी और अस्थाई में क्या होता है आपका रैम जो है वो शामिल होता है हम इसको एक बार में भी बोल सकते हैं रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसमें कंट्रोल में होता है ठीक है रैम जो आपने देखा होगा दोस्तों जब मैंने स्टार्टिंग में आपको जो दिखाया था तो वही जो रैम है दोस्तों इसमें जो है ये वाला ठीक है तो आप देख रहे होंगे तो ये ये जो पकड़ा हुआ है ना यहाँ हाथ में यही क्या है इसका रैम है जो कंप्यूटर के जो स्लॉट्स हैं उसमें इसका जो है प्रयोग किया जाता है ये भी जो है दोस्तों रैम जो है आपका पाँच सौ बारह एम बी का होता है ठीक है अब मैंने बताया ठीक है वन जी बी का होता है टू जी बी का होता है फोर जी बी का होता है तो इस तरीके के क्या है इसकी जो क्षमता है और जिस जिसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग जिसमें होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है इसका कहा जाए तो क्षमता जो है बहुत ज़्यादा होती है ठीक है तो हमने देखा प्राथमिक मेमोरी के बारे में अब देख लेते हैं दोस्तों द्वितीयक मेमोरी ठीक है वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है तो लास्ट तक ज़रूर देखिए दोस्तों आपके लिए ही हेल्पफुल हो ये वीडियो है तो सबसे बात कर लेते हैं द्वितीयक मेमोरी अब नाम से ही पता है भाई जब प्राथमिक मेमोरी है कंप्यूटर का मेन सब काम कर रहे हैं और दूसरा जो भाग है वो द्वितीयक मेमोरी है मतलब कहीं ना कहीं हम उसको एक्सटर्नल रूप में हम इसको यूज़ करेंगे मतलब ये क्या कहलाता है आपका सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है ठीक है इसे कंप्यूटर का एक्सटर्नल या बाहरी रूप से को जोड़ने के लिए काम किया जाता है ये जो है पूरी तरीके से सूचना का स्थायी रूप से स्टोर करके रखता है जैसे अगर आपके मेमोरी मोबाइल है और उसमें क्या है स्टोर करके आप जो है उसको रख रहे हो है ना डेटा को तो जब आपका मेमोरी फुल हो जाता है तो कहीं आप पेनड्राइव में उसको आप अलग से रख लेते हो या फिर कहीं आप जो है अपने कंप्यूटर में डाल देते हो तो मेमोरी के लिए कंप्यूटर आपका एक्सटर्नल जो है हार्ड डिस्क जो है काम आएगा ठीक है अगर से आप पेन ड्राइव में उसको रख रहे हो तो पेन ड्राइव काम आएगा अलग से आप चिप में रख रहे हो माइक्रो एस कार्ड में तो वो आपके लिए क्या होगा द्वितीयक मेमोरी किस श्रेणी में आएगा ठीक है अगर हम लोग बात करें दोस्तों क्रमानुसार इसका जो टाइप है उसके बात करें तो द्वितीयक मेमोरी जो है इसका है पहला तो है इसका दो भाग मार दिया गया है क्रमानुसार है और दूसरा जो दोस्तों डायनेमिक एक्टर एक्सिस मेमोरी सॉरी डायरेक्ट एक्सिस मेमोरी जो देखिए क्रमानुसार मतलब क्या होगा दोस्तों जिसको हम क्रम से आ, से एक्सटर्नल रूप करते हैं वो वो क्या कहलाता है आपका क्रमानुसार क्रमानुसार जिसका अनुसरण करते हैं कहलाएगा जैसे हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नेटिक टैप मैग्नेटिक टैप के अंतर्गत ही आपका दोस्तों सी भी आ जाता है डीवीडी भी आ जाता है समझने के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है तो यहां पास से आप देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा ठीक है लेकिन इस समझाने के लिए बता रहा हूं लेकिन क्या होता है सीडी और डीवीडी को

ठीक है सबसे पहला क्या है इसमें चुंबकीय डिस्क में बांटा गया है और दूसरा दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क में बांटा गया है और तीसरा जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के रूप में इसको बांट दिया गया है ठीक है अगर हम लोग बात करें चुंबकीय डिस्क के बारे में तो दोस्तों इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। पहला जो है फ्लॉपी डिस्क है और दूसरा जो है दोस्तों हार्ड डिस्क है ठीक है जो कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में भी प्रयोग किया जाता है स्टोरेज डिवाइस के रूप में फ्लॉपी डिस्क पहले पहले प्रयोग किया जाता है अब वर्तमान में प्रयोग नहीं किया जाता मेन रीज़न क्या है कि इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो काफ़ी कम होती है लेकिन हार्ड डिस्क का कहा आप अपने हिसाब से जितना भी रखना चाहें रख सकते हैं पहले जो है यह हार्ड डिस्क जो बहुत ही कम में आता था हार्ड मात्र जो है दोस्तों आपको दो है ना या फिर स्टार्टिंग में ही पाँच सौ तक अब तो दोस्तों इस, ये जो है वन uh, टी के फॉर्मेट में फोर टी बी टू टी ये सब जो है स्टोरेज डिवाइस के रूप में हार्ड uh, डिस्क जो है वर्तमान में आने लगा है ठीक है अगर हम लोग बात करें जो है एक प्रकार का क्या फ्लॉपी डिस्क जो है एक प्रकार का क्या है वृत्ताकार डिवाइस होता है जिसकी क्षमता uh, अगर हम लोग बात करें मात्र वन पॉइंट इसका क्या है पूरा क्षमता है मतलब अगर आप जो है अगर आज के ज़माने में अगर आप हाई क्वालिटी एंड्रॉयड से अगर आप भी लेना चाहें, तो इसके लिए अवेलेबल नहीं हो कर पाएगा ठीक है स्टोरेज ही नहीं बता पाएगा मतलब आप समझ रहे हैं कि इसकी कैपेसिटी जो है क्या है बहुत ही कम होने की वजह से चलन में नहीं है ठीक है आ, अगर हम लोग बात करें हार्ड डिस्क के रूप में तो ये प्रकार का क्या है मैग्नेटिक हार्ड डिस्क आता है ठीक है इसका अगर हम लोग और भी इसके पार्ट करें तो ये जो है मैग्नेटिक हार्ड डिस्क भी एक वृत्ताकार होता है ठीक है जिसके ऊपर मैग्नेट की परतें लगी होती है और इसकी स्टोरेज साधारणतः अस्सी जी बी स्टार्टिंग जो है अस्सी जी बी से होता है और इसकी जो गति है ठीक है इसकी गति जो मैंने बताया वो क्या हो सकता है दोस्तों आर पी एम आर पी एम में इसको जो है मापा जाता है कितना सात हजार दो सौ आर पी एम मतलब राउंड पर मिनट वो क्या होता है घूमता है ठीक है तो ये क्या कहलाता है दोस्तों आपका हार्ड डिस्क है इंपॉर्टेंट है इसकी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हार्ड डिस्क होता है वो किस तरह की है वो मैग्नेटिक अर्थात चुंबकीय डिस्क होता है जो एक बार में सात हजार दो सौ राउंड पर मिनट जिसको हम आरपीएम के नाम से जानते हैं वो घूमता है ठीक है उसी तरीके से ऑप्टिकल डिस्क अगर हम लोग बात करें देखिए अगला है ऑप्टिकल डिस्क ऑप्टिकल मतलब दोस्तों प्रकाश अर्थात जो प्रकाश के आधार पर जिनका हम अनुसरण करें मेमोरी के रूप में वो क्या कहलाता है ऑप्टिकल डिस्क कहलाता है जैसे आपने देखा होगा इसमें है सी रोम सी डी आर सी डी आर डब्ल्यू और डी वी डी ठीक है तो देखिए यहाँ पास सी डी रोम आपने देखा होगा जो सी डी का जो कैसेट होता है उस वो उस पर क्या होता है एक रे मतलब प्रकाश गिरता है जो उसको क्या करता है पढ़ने का काम करता है मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो मेमोरी है उसको एक्सेस करने के लिए हम प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं सामान्य तौर पर जो है दोस्तों आर, रै सी डी जिसको हम लोग फुल फॉर्म अगर हम लोग बोलें सी डी का फुल फॉर्म क्या होता है कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जाना जाता है प्रश्न पूछा जा चुका है सी डी का फुल फॉर्म क्या होता है तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है थीके? तो डिस्क जी जी है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये अलग, -अलग पर होता है, और पर इसकी जो क्षमता है वो एम बी uh, में होता है और जीबी में तो ये जाता ही नहीं है ठीक है लगभग ये सात या लगभग ठीक है यहीं तक इसका क्या है स्टोरेज क्षमता होती है और कॉम्पैक्ट डिस्क जो है पूरी तरीके से ऑप्टिकल में ही काम करता है और इसे सिर्फ पढ़ने के काम आता है रीड ओनली मेमोरी आर ओ एम कहा जा रहा है मतलब रीड ओनली मेमोरी हम इसको डेटा को ना तो हम सुधार सकते हैं ना तो हम इसमें और डेटा इंक्लूड कर सकते हैं और ना तो कोई भी यहाँ के डेटा को बाहर कॉपी कर सकते हैं लेकिन यहाँ से डेटा को बाहर निकाल नहीं सकते मतलब डेटा को कट का का ऑप्शन नहीं कर सकते मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक बार इसमें डेटा डल गया तो लाइफ टाइम तक के लिए अगर आप इसको सुरक्षित रखे हैं तो वो बिल्कुल रहेगा ठीक है तो ये क्या कहलाता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम लोग क्या कहते हैं सी डी रोम रेड ओनली मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है ठीक है अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके भी और अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके का जो है इसमें काम होता है अब बात करते हैं दोस्तों इसमें जो अगला है सी डी आर तो सी डी आर सेम वैसा ही है जिसको हम सिर्फ रीड करने के लिए ही इसमें प्रयोग करते हैं अगला है इसमें सी डी आर डब्ल्यू तो दोस्तों सी डी जो आर डब्ल्यू है अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जो है संग्रहण डेटा को मिटाया मतलब सिर्फ इसको मतलब आ, मिटाया मतलब इरेज किया जा सकता है और इसमें क्या किया जा सकता है एडिट किया जा सकता है अर्थात डेटा परिवर्तन करने की जो सुविधा होती है वो आपको सी डी आर में मिलता है तो दोस्तों जब भी आप मार्केट से सी डी खरीदें तो सी डी सिर्फ रोम वाला ना ख़रीदें बल्कि आर डब्लू वाला खरीदें ताकि यहाँ के डेटा जो है उसको हम बाहर निकाल सकें कट कर सकें और जब भी इनकी जरूरत पड़े हम उसमें स्टोर करके रख सकें ठीक है तो ये क्या कहलाएगा आपका सी डी आर डब्ल्यू कहलाएगा ठीक है अब बात कर लेते हैं दोस्तों डी वीडी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें किस तरीके का रे का प्रयोग होता है दोस्तों इसमें ब्लू रे का प्रयोग होता है ठीक है तो इसमें ब्लू रे का प्रयोग होता है ऊपर तो के जितने भी हैं उसमें सी डी में उसमें आपको रेड रे का प्रयोग देखने को मिलता है ठीक है अगर हम लोग सी डी में अगर डी वी डी के सेट को डालेंगे तो वो रेड नहीं कर पाएगा ठीक है लेकिन सी डी

डी वी डी की अगर इसके डबल की बात करें तो वो एट पॉइंट फाइव जी बी तक का क्या करता है इसका क्षमता है स्टोर करने का ठीक है इसका मुख्य उपयोग जो है फिल्म को डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग होता है जो मार्केट में आपने देखा होगा ना जो डी वीडी एक ही साथ देखिए आपने बहुत सारे मूवी आपको एक साथ बहुत एक ही डी वीडी के सेट में ही आपको देखने को मिल जाता है तो भाई वो कही कहीं ना कहीं मूवी को स्टोर करने के लिए बहुत सारे डेटाएँ हैं है, जैसे सॉफ्टवेयर है उसको भी स्टोर करने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है ठीक है अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक और जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं रजिस्टर्ड डेटा उपकरण जो इसी के अंतर्गत ही आता है लेकिन सामान्य तौर तो पर उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में रखा जाता है ठीक है अगर हम लोग बात करें इसके जो नेक्स्ट जो घटक है वो है कौन सा है दोस्तों वो है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस जो किसके अंतर्गत आता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत आता है और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी किसके अंतर्गत आता है दोस्तों द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आता है ठीक है यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा तो यहाँ पास देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें बात कर लेते हैं डायरेक्ट आ... सॉरी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस तो इसमें जो आपका आएगा फ्लैश मेमोरी फ्लैश मेमोरी मतलब कहीं ना कहीं हम ऐसा मेमोरी को प्रयोग कर रहे हैं जिसको हम लोग तुरंत हमें अर्जेंट जर, जरूरत है और हमें ज़्यादा टाइम ना लेकर के वहाँ से हम मेमोरी को से रखे हुए डेटा को आसानी से ले सके तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका फ्लैश मेमोरी जो काम आएगा जिसको हम कहते हैं पेन ड्राइव जिसको शॉर्ट में पी के नाम से जाना जाता है ये भी अलग अलग स्टोरेज की क्षमता के आधार पर मिलता है मार्केट में सबकी अलग अलग प्राइस होती है ठीक है ये सभी के सभी किस पोर्ट पर रहते हैं दोस्तों यू पोर्ट पर ये काम करते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सर्विस बस के नाम से जानते हैं जिसको आप आसानी से एक्सेस करके अगर मोबाइल में फंसाना है तो ओटीजी के थ्रू फंसा सकते हैं और जिसको अगर मोबाइल में कंप्यूटर में फंसाना है तो आपको यूएसबी पोर्ट के थ्रू आप उसको आसानी से फंसा सकते हैं ठीक है उसी तरीके से दूसरा बात बात करें तो वह है मेमोरी कार्ड मेमोरी कार्ड को सामान्य तौर पर आप चिप के नाम से जानते हैं जिसको माइक्रो एस कार्ड के रूप में जानते ही होंगे ठीक है इस तरीके का आपको देखने को मिला होगा ठीक है ये इस तरीके का होता है ठीक है ऐसा टाइप का आपने देखा होगा सिंपल सा है ये भी आ, इसकी क्षमता के आधार पर मिलता है ठीक है तो यह इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आ जाता है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो स्टोरेज डिवाइस के बारे में मैंने आपको बताया तो सारी की किसारे जो है दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है ठीक है तो एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों दो प्रकार का होता है प्राथमिक मेमोरी द्वितीयक मेमोरी अच्छे से नहीं दिख रहा होगा मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ आप पहले देख चुके हैं तो आपको जल्दी से बन जाएगा प्राथमिक मोरी द्वितीय प्राथमिक में क्या होता है, होता है, होता है स्थाई होता है कैश होता है अस्थाई होता है स्थाई में कौन कौन सा है आपका रोम है पी रोम है ई पी आर रोम है ई पी आर रोम है ठीक है तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो स्थाई में अगर हम लोग अस्थाई में देखें तो इसमें भी दो है आपका डायनेमिक है और स्टैटिक है डायनेमिक रैम है और स्टैटिक रैम तो डायनेमिक में आपका जो स्टैटिक में क्या हो जाएगा हार्ड डिस्क आ जाएगा और डायनेमिक में भी आ जाएगा ठीक है उसी तरीके से द्वितीयक में हम लोग देखें तो क्रमानुसार वाला है जो जो मैग्नेटिक टेप इसका एग्जाम्पल हो जाएगा और दूसरा जो है इसमें डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में आपका तीन देखने देखने को मिलेगा पहला है चुंबकीय डिस्क वाला और दूसरा है दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क वाला और तीसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस का होगा पहला वाला जो है दोस्तों इसमें चुंबकीय में आपका फ्लॉपी डिस्क मिलेगा और हार्ड डिस्क देखने को मिल जाएगा उसी तरीके से ऑप्टिकल में आपका सी मिल जाएगा और सी डी आर सी डी आर डब्ल्यू और डी मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में आपका जो है फ्लैश मेमोरी जिसको हम पेन ड्राइव कहते हैं वो मिल जाएगा और जो है इसमें आपका कार्ड मेमोरी चिप जो है मिल जाएगा ठीक है अगर हम लोग बात करें कुछ और भी चीजें हैं जैसे मैंने बताया ब्लू रे ब्लू रे मतलब क्या होता है जिसको डी में जो यूज होता है इसकी जो क्षमताएं दोस्तों मैंने स्टार्टिंग बताया कि इसकी क्षमता जो है आर्ट एट पॉइंट फोर जी बी तक इसकी क्षमता होती है ठीक है अगर हम लोग इसको बढ़ा दें तो जिसको जिसकी क्षमता और भी ज्यादा होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं एच के नाम से जानते हैं ठीक है एच वी डी क्या होता है हाइपोग्राफी वर्ड वर्चुअल डिस्क के नाम से इसको जानते हैं जिसकी जो क्षमता होती है थ्री पॉइंट नाइन टी बी होता है आप समझ सकते हैं थ्री पॉइंट नाइन टी बी क्या होता है जिसमें एक टी बी में तो क्या होता है दोस्तों एक हज़ार चौबीस जी बी जब हो जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं ये जो है वो एक टी बी के बराबर है एक टी बी तो इसका क्या है दोस्तों थ्री पॉइंट नाइन गुना जब हो जाएगा तब हम उसको थ्री पॉइंट नाइन टी बी मतलब लगभग इसको फोर टी बी मान सकते हैं ठीक है अगर हम लोग दोस्तों डेटा का बढ़ते हुए क्रम के अनुसार अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले दोस्तों सबसे स्मॉल में आता है सीडी आता है और उसके बाद हम लोग बात करें तो डीवीडी आता है उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एच आता है उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग देखें जो एच और जो मैंने अभी बताया एच से पहले एक और आता है जिसको हम लोग ब्ल्यूवेरी कहते हैं ठीक है आर ए वाई ठीक है और जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है एच वी डी जिसकी क्षमता क्या होती है आपका थ्री पॉइंट नाइन ठीक है तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा तो ये बढ़ते क्रम में पूछा जाता है सबसे तेज एक्सेस टाइमर जो होता है दोस्तों इसके लिए क्या होगा और जो पॉइंट है आप याद रखिए सेमीकंडक्टर मेमोरी की होती है सेमीकंडक्टर क्या होता है जिसको हम लोग अर्धचालक बोलते हैं जिसके में ट्रांजिस्टर प्रयोग होता है मतलब पी एन पी और एन पी एन ठीक है तो ये जो है सबसे ज़्यादा फास्टेबल होते हैं ठीक है और साथ ही साथ दोस्तों ये जो ऑप्टिकल जो मैंने बताया तो ये सभी प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क नहीं है तो इसमें से दे देगा आपको हार्ड डिस्क दे देगा सी डी रोम दे देगा डी वी डी रोम दे देगा ठीक दे 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 है तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है उसको आप समझिए प्रश्न को समझिए उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसमें आंसर देने की कोशिश कीजिए ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेमोरी का चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा और नहीं समझ आया है तो दोस्तों एक बार और कमेंट कर दीजिए जब इसके जो एम सी क्यू में जब कराऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो इसका भी स्क्रीन ले लीजिए एक बार ताकि जो है आपको जब भी इसको पढ़ें तो आसानी से जो है ये एक्सेस कर सकेंगे ठीक है तो यहां से भी एक स्क्रीन ले लीजिए जब मैं इसका पूरा ये ठीक है और दोस्तों लगातार इस पर अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर दोस्तों इसकी जो पीढ़ियां हैं उस पर भी क्योंकि यहां से पीढ़ियों से भी प्रश्न जो है पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है दोस्तों उसको जरूर पूछिए क्योंकि आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर आपके पास डाउट है तो बिल्कुल पूछिए दोस्तों उसको नेक्स्ट वीडियो मैं उसको मैंशन करके क्लियर करने की कोशिश करूँगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिए वीडियो को क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए ठीक है और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तो मुझे दीजिए इजाजत टेक कर ऑल द बेस्ट जय हिंद